हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित सिंह और स्वागत करता हूँ मैं आपके अपने छोटे से यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फोकस सिविल वर्क। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हमें जो घर बनाते समय घर में जो विंडो देते हैं, जो विंडो प्रोवाइड करी जाती है, उसकी क्या हाइट रखी जाती है, जो फिनिशिंग फ्लोर लेवल होता है या प्लिंथ लेवल जो होता है, उससे हमें कितनी हाइट रखनी है नीचे नीचे, यानी जो विंडो हमें लगानी है वो कितनी हाइट पे लगानी है। देखिए, मैं जो बता रहा हूँ आपको, जो आपने देखा होगा, आपको मैं एक बात दिखाऊँ। जब विंडो जहाँ लगी होती है तो जिस हाइट पे विंडो लगाते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो उसके नीचे या तो आपने ब्रिक वर्क होता हुआ देखा होगा, या आपने कहीं एज अ ब्रिक वर्क ही होता है ज़्यादातर, तो ब्रिक वर्क देखा होगा, तो वो ब्रिक वर्क जो किया जाता है वो कितनी हाइट तक किया जाता है, तो उसको बोलते हैं टेक्निकल में सिल लेवल। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं? सिल लेवल। तो उसको टेक्निकल में हम सिल लेवल बोलते हैं। और दोस्तों, विंडो आपको पता है, विंडो हम अपने घर में किचन में भी लगाते हैं और लॉबी रूम एक्स्ट्रा जगह लगाते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको मेन बात ये बतानी है इस वीडियो में कि दोनों विंडो की जो हाइट होती है, जो जितने हाइट पर हम विंडो लगाते हैं वो डिफरेंट होती है। यानी कि किचन की विंडो जो जिस जितनी हाइट पर हम किचन की विंडो लगाएंगे, स्टार्ट करेंगे, वो हाइट अलग होती है, और जो डोर की लॉबी की विंडो या रूम की विंडो होती है वो अलग होती है। वीडियो बनाने आगे बढ़ाने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि देखिए, जो आपको वीडियो के थंबनेल में दिख रहा होगा कि इस वीडियो में मैंने आपको जो आपको दिख रहा है, ये एक वीडियो है। इस वीडियो में मैंने आपको सारा कुछ बताया है डीपली तरीके से, सब कुछ, कि हमें किस साइज की विंडो रखनी चाहिए, किस साइज का डोर रखना चाहिए, किस साइज का हमारा वेंटिलेटर रखना चाहिए। तो इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को आप जरूर देख लें ताकि आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और दूसरी वीडियो का ये जो फोटो दिख रहा है आपको, ये वीडियो मैंने प्रैक्टिकली साइड पे बनाई है कि हमें प्रैक्टिकली साइड पे किस तरीके से विंडो लगाते हैं, चेक करते हैं, कैसे वाटर लेवल से चेक करते हैं, कैसे हमें साउल लगाना होता है, यानी कि प्लम्ब ऑफ से चेक करते हैं। तो ये दोनों वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। और इस वीडियो में मैं जो स्पेशल बात को बताने वाला हूँ, ताकि क्योंकि मेरे पर बहुत सारी कमेंट आई थी कि हमें ये बता दीजिए कि कितनी हाइट पर हमें किचन की विंडो रखें और कितनी हाइट पर हम रूम की या लॉबी की विंडो रखें। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि रूम की विंडो या लॉबी की विंडो हम रखते हैं दोस्तों, उसकी हाइट प्लिंथ लेवल से, जो प्लिंथ लेवल होता है वो हमारी प्लिंथ लेवल से, जो जिस हाइट तक हम विंडो बाद में लगाना स्टार्ट करते हैं, तो वो हाइट होती है हमारी सिल लेवल। और उस सिल लेवल को हम कितनी हाइट होती है वो होती है हमारी 3 फिट। यानी कि हम 3 फिट हम ब्रिक वर्क करते हैं पहले, उसके बाद विंडो लगाने का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि अब अगर इंच में बताऊं तो 36 इंच, यानी कि 36 इंच। और एमएम में बताऊं दोस्तों तो एमएम आ जाएगा हमारा 900 एमएम। तो ये तो हो गया आपको क्लियर विंडो की, यानी कि रूम की विंडो या उसकी विंडो, बालकनी की विंडो, या आप लॉबी की विंडो ये बोल सकते हैं। अब दूसरा दोस्तों आ जाइए किचन की विंडो। अब किचन की विंडो का भी एक अलग ही हाइट दी जाती है, ये दोस्तों स्टैंडर्ड है, आप इससे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। कंफ्यूज मत होना, ताकि कभी आपने किसी दूसरी साइट पे इससे कम देखी हो या इससे ज़्यादा देखी हो, वो वहाँ पे आपको एज पर रिक्वायरमेंट रही होगी ओनर की। और ये जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है जिनके पास कोई भी ड्राइंग नहीं है, तो वहाँ कन्फ्यूजन बहुत होती है एज कॉन्ट्रेक्टर, एज अ साइट इंजीनियर, एज अ ओनर के नाते। अब आ जाइए हम किचन की विंडो की हाइट पे। तो दोस्तों, किचन की विंडो हाइट जो दी जाती है उसकी सिल लेवल की जो हाइट होती है वो एज कंपेयर टू हमारे रूम की विंडो या बालकनी की विंडो से डिफरेंट होती है। तो देखिए, अब उसमें एक लॉजिक है कि हम जो हाइट होती है वो होती है हमारी 42 इंच, यानी कि 42 इंच का मतलब आप दोस्तों समझ रहे हैं 3.5 फिट। ये 3 फिट बताई थी वो 3.5 फिट। अब उसके पीछे का लॉजिक आप समझिए। देखिए, 2 से 2.5 फिट, 2.5 से 3 फिट आपको पता है, 2.5 से 3 फिट हमें वहाँ पे जो प्लेटफॉर्म होता है, प्लेटफॉर्म यानी कि जो स्लिप होता है, स्लिप जिस पर हम चूल्हा चकला करते हैं, वो हमें प्रोवाइड करना होता है, और उसके बाद ही हमें विंडो लगानी होती है। तो उसको इंक्लूड करके जो हाइट हमारी आती है सिल लेवल की किचन की विंडो की, वो 42 इंची आ जाती है। यानी कि इसको फिट में करें तो हमारा आ जाएगा 3.5 फिट, और एमएम में करें तो 1050 एमएम हमारा आएगा। तो दोस्तों, ये इस वीडियो में मैं आपको ये दो विंडो के बारे में बताने वाला था कि किचन की विंडो और रूम की विंडो हमें कितनी हाइट पर लगानी चाहिए।
और दोस्तों अगर इस वीडियो को देख के डाउट क्लियर हुआ हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी करना, और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर दें, ताकि हम कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड या गृह निर्माण से रिलेटेड वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। मेरे जैसे बताया मैंने, आप ये दो वीडियो जरूर देख लें जो मैंने अभी शो करी हैं, ताकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर।